नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे खेती किसानी में समसामयिक कार्यों की। इस समय बसंत का मौसम है और धीरे धीरे आम के बगीचों में बहार आने वाली है। इसके साथ ही साथ उद्यानिकी की तमाम फसलों में जो है इस समय काफ़ी जो है कुछ ऐसे नए कार्य करने हैं जिनसे आपका उत्पादन जो है बहुतायत में आपको मिले। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ हमारे खेतों में और क्या काम करने हैं, इन तमाम बातों को आज हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर SS चौहान, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र धार से हमारे बीच में पधार रहे हैं। चौहान साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आम की यदि बात की जाए तो इस समय आम के पौधों में बौर आ रहे हैं और जो पुराने पौधे हैं उनमें एक तरह से बहार आने वाली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतने बढ़िया बौर आने के बावजूद भी आम में उतना फलन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये क्या वजह हो सकती है? इसका मुख्य कारण ये है कि जब जैसे बौर आ रही, किसान भाई ये ध्यान रखें कि उस समय हमें सिंचाई नहीं करनी है। यदि आप सिंचाई कर देंगे उस समय तो फूल हमारे जो है, जो बौर आ रही है वो हमारी गिर जाएगी। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, जब सिंचाई हमें कब करना है, जब मटर के आकार के जब हमारे आम छोटे छोटे लगने लग जाएँ तब हम सिंचाई करें। और कभी कभी ऐसी समस्या भी आती है कि आम के बॉल गिर, मतलब जो आम छोटे छोटे जो रहते हैं जो मटर के साइज़ के, वो गिरना चालू हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक प्लानोफिक्स करके दवा आती है जिसकी 1 ml 1 L में मिलाकर यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये समस्या से हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने जो एक सुझाव दिया है कि मटर के बराबर यदि आम में जो है फल बनने लग जाए उस समय सिंचाई करना चाहिए। इसके पहले यदि आप सिंचाई करते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, क्योंकि कई किसान भाई जो है ये इसका उल्टा कर देते हैं कि यदि पहले सिंचाई करेंगे तो शायद उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। लेकिन किसान भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात और आती है किसान भाइयों, ज़्यादातर जो है आम के बगीचे होते हैं या आम के पेड़ होते हैं उनमें फलन की जो स्थिति होती है, ज़्यादातर आम जो है 1 साल फल देते हैं और 1 साल नहीं देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये क्या कोई समस्या होती है या इसका कुछ समस्या है तो निदान भी हो सकता है? नहीं, ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या ये इसमें जैसे जो देसी वैरायटी है, जो पुरानी जो वैरायटियाँ हैं जी, वो क्या है कि इनमें एक तो फलन लेट आता है। हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है, इनमें अल्टरनेट बेयरिंग होती है, मतलब 1 साल छोड़ के 1 साल इसमें मतलब पुष्पन होता है जी। तो इसमें किसान भाई ये चेक करें कि यदि अगर हमें हर साल अगर फ्रूटिंग लेनी है, फलन लेना है, तो जिसमें आम्रपाली है, एक मल्लिका, ये 2 ऐसी किस्में हैं जिनको हम लगाकर हम हर साल हम आम के उत्पादन ले सकते हैं जी। यानी कि यदि ये जो दो आपने किस्में बताई ये हमारे किसान भाई लगाते हैं तो जो 1 साल वाली अफलन की स्थिति है वो जो है समाप्त इसमें हो हर साल फलन होगा। बिल्कुल, तो किसान भाइयों कोशिश यही करें कि जो किस्में हैं आम की उन किस्मों पर आप ध्यान दें, और जो डॉक्टर साहब ने बताई वो किस्में आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है आप फलन की जो 1 साल वाली स्थिति होती है उससे नहीं जूझना पड़ेगा। हमारे ज़्यादातर किसान भाई शिकायत करते हैं कि हम खेत में फसलें तो लगा देते हैं, उसके बाद में कहीं कहीं जो है फसलें या तो सूख जाती है या उनमें कोई रोग लग जाता है और उसकी वजह वो बताई जाती है दीमक। डॉक्टर साहब, ये सामान्य सी चीज़ है दीमक, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करती है जी। तो यदि इस समय, क्योंकि अब जैसे रबी की फसलें लगी हुई है खेतों में और बहुत सी जगह जो है दीमक का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो अभी हमारे किसान भाई कैसे रोकेंगे दीमक को? दीमक को देखो, समस्या सबसे बड़ी है मेन जो किसान क्या है, तो गोबर जो है जो सड़ा हुआ नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, तो अधसड़ा गोबर डालते हैं जिससे समस्या, मतलब मेन समस्या जो दीमक के कारण आती है। अब किसान भाई को क्या करना है, यदि मान लो हमारे खेत में दीमक आ गई है तो सबसे पहले किसान अपने खेत में ये देखें कि हमारे जो उसमें खेत में दीमक का घर कहाँ है। अच्छा। जिसको अपन कहते हैं बिनोला या क्या बोलते हैं, जो भी बामी, बामी, मीठा, ये सब अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या है, रानी रहती है। अगर हम रानी को ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम दीमक को नियंत्रित कर सकते हैं। तो रानी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक अपने को जैसे जो मकान में जो सरिया बनाते 12 mm का, तो उस सरिये को अपन करीब 1 meter तक गहराई तक उसको ठोक देंगे अंदर, और ठोकने के बाद उसको हिला के धीरे से निकाल देंगे तो एक छेद बन गया। उस पर क्लोरोपाइरीफास करके दवा आती है, उसे हम डाल देंगे और डालने का मिट्टी से ढक देंगे, उसके बाद हम उसको गीला कर देंगे तो अंदर जो पूरा फ्यूमिगेशन होगा उस फ्यूमिगेशन से जो हमने मादा बैठी है जो रानी है वो हम ख़त्म कर देंगे। अब दूसरी समस्या जो आती है, जो खेतों में हमारी जो दीमक घूम रही है वो जो नुकसान कर रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना है, जैविक तरीके में यदि देखें तो हम क्या करें, खेत के चारों ओर 4 मटके गाड़ दें, मटके को आधा जमीन में गाड़ दें और आधा ऊपर खुला रहने दें, और उसमें हम छेद कर दें जिससे हवा का आवागमन हो जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें आधा जितना जितना हमने जमीन में गाड़ा है उस पर फिर उसमें हम पानी भर दें,
और फिर उसके बाद हम जो मक्का के जो डूठे रहते हैं जिनको हम दाना निकाल लेते हैं, और दाना निकालने के बाद उसको हम उसमें डाल देंगे, तो जब ये फूल जाएंगे, और ऊपर से हमें ध्यान रखें कपड़ा से बांध दें जी, तो जो जब ये फूलेंगे उसकी महक जब पूरे खेत में फैलेगी तो सारी दीमक उस मटकी में आके इकट्ठी हो जाएगी, और उस मटकी से अपन उस मतलब उसको अपन आग में रख के उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये बड़ा मतलब देसी तरीका है, देसी तरीका बिना दवाई के। ज़्यादातर किसान भाई यदि इस प्रयोग को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको खर्चा बिल्कुल नहीं करना है और दीमक का जो प्रकोप है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, खाद या उर्वरक की हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जितना उर्वरक हमें देना चाहिए उससे या तो हम ज़्यादा दे देते हैं या फिर उतनी मात्रा नहीं दे पाते हैं, फिर हम आरोप लगाते हैं कि हमारी फसल में या तो नुकसान हो गया या उसका उत्पादन उतना नहीं मिला। डॉक्टर साहब, यदि उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो जैसे अभी प्याज की जो है बहुतायत में फसल हमारे किसान भाई ले रहे हैं, कई जगह नर्सरी भी डली हुई है, वो नर्सरी को जो है मुख्य खेत में लगाने वाले हैं, कई जगह फसलें लहलहा रही है प्याज की, तो यदि प्याज में हमें उर्वरक प्रबंधन करना है, उर्वरक देना है, तो किस तरह की क्या मात्रा देनी पड़ेगी? इसमें 2 टन तो करीब अपना FBM गोबर की खाद देना है, और साथ में 100 किलो नाइट्रोजन जी, 60 किलो फास्फोरस जिसको स्फुर कहते हैं, और पोटास 100 किलो जी। इस पर डालते समय हमें ध्यान रखना है कि जैसे फास्फोरस जो स्फुर और पोटाश की मात्रा हमें बोने के समय पूरी मात्रा देनी है, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा, और जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा बचेगी उसको हमें मतलब 3 हफ्ते के मतलब 21 दिन के बाद हमें इसको टॉप ड्रेसिंग में इसको अपने को प्याज में डालना है। तो मतलब इस तरह से जो है उर्वरक का प्रबंधन करना है जी। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ और भी एक समस्या ये आती है कि हमारे किसान भाई जो है कभी कभी रोग या बीमारियां जो होती है फसलों में उनको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं, फिर जो है वो अंदाजन जो है अपने हिसाब से उर्वरक दे देते हैं या कीटनाशक या दवाई का छिड़काव कर देते हैं, तो ये जो स्थिति बनती है तो इसे दूर करने के लिए हमारे किसान भाइयों को कैसे हम प्रशिक्षित करेंगे? इसमें किसान भाइयों को जैसे जब खेत पर जाते हैं तो सबसे पहले वो देखें कि फसल में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है तो किसान भाई सबसे पहले अपन देखें फसल में अगर नीचे की पत्ती पीली हो रही है जी, तो समझ लीजिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है, कमी आ रही है, हमको यूरिया का बुरकाव करना पड़ेगा बिल्कुल, चाहे कोई भी फसल हो। दूसरी चीज़ फास्फोरस की, जैसे जिसको स्फुर कहते हैं, इसके अपन डेफिशिएंसी अगर देखना, इसका सूचक पौधा जो अपन कहेंगे मक्का का पौधा है। मक्के के पौधे में जब आप मक्के के खेत में जब आप जाएंगे उसमें देखेंगे जब यदि पत्तियों पे अगर लाल बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो अगर यह पट्टियां दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए इसमें स्फुर की कमी आ रही है, हमको ज़मीन में स्फुर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक पोटाश भी है, ये 3 जो पोषक तत्व मेन मुख्य पोषक तत्व हैं जिनका मतलब पौधे को देना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारी उपज काफ़ी कमी हो जाएगी। तो पोटाश में आप जब देखते हैं तो पत्ती अगर किनारे से जलने लगती है, जब पत्ती किनारे से जलने लगे तो समझ लीजिए ज़मीन में पोटाश की कमी हो रही है और हमको पोटाश ज़मीन में डालना होगा। इसी प्रकार सल्फर का है, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन में नीचे की पत्ती पीली हो जाती है, ऐसे ही अगर हम देखेंगे जैसे सोयाबीन की फसल है, मान लीजिए उस पर पूरा पौधा हरा है लेकिन जो नई पत्ती आ रही है वो अगर पीलापन लिए ले रही है तो समझ लीजिए सल्फर की कमी आ रही है, हमको खेत में सल्फर डालना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अपने जो मध्य प्रदेश में मुख्य जिंक की कमी भी आ रही है, क्योंकि जिंक का गेहूं का क्षेत्र काफ़ी है हमारा, तो जैसे खासकर मालवा रीजन धार रीजन में काफ़ी गेहूं उगाया जाता है तो उसमें जिंक की कमी आ रही है। जिंक में कमी की देखने के लिए हमें क्या करना है कि उसे पत्तियों पर धारी पड़ जाती है, मतलब पत्ती पे जो जो नसें रहती हैं जिनसे न्यूट्रिएंट जाता है पोषक तत्व जाते हैं वो हरी बनी रहती है और बाकी पूरी पत्ती धीरे धीरे पीली हो जाती है, तो ये अगर आपको कमी दिखाई देती है तो समझ लीजिए आपके इसमें जिंक की भी कमी आ रही है। तो मतलब इस तरह से जो है तत्वों की अगर कमी पौधों में हो रही है तो हमारे किसान भाई बहुत आसानी से इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पहचान हो सकती है, और किसान भाइयों जब ये पहचान हो जाती है तो फिर आसान हो जाता है उस रोग को दूर करना, उस बीमारी को दूर करना। लेकिन कहते हैं ना कि हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी मिट्टी में कई चीज़ों की कमी आ जाती है और वो कमियाँ जो है पूरा जो फसल का जीवन काल होता है उसमें जो वो अवरोध बनती है। डॉक्टर साहब, यदि मिट्टी की हम बात करें तो जो मिट्टी का स्वास्थ्य होता है, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है फसलों की पैदावार, बिल्कुल सही, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को हमें समझना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा? इस पर एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा भी जैसे अपन मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं पूरी सब जगह मिट्टी का स्वास्थ्य मतलब हमारा डाउन हो रहा है क्योंकि कार्बन की मात्रा घट गई है। अच्छा, मैंने जो धार जिले में देखा कई किसान भाइयों के 0.2% 0.3% उसमें ऑर्गेनिक कार्बन आया जो कि एक अलार्म है। अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया
तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उनको मतलब उत्पादन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और स्थिति उनकी ज़्यादा ख़राब होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये बहुत गंभीर समस्या बताई है, तो मतलब इसकी मुख्य वजह क्या होगी? इसकी मुख्य वजह है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो रही है, तो हमें कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्बन को मतलब किन गतिविधियों के कारण ये कार्बन कम हो रहा है? इसका मुख्य कारण है कि हम जैसे गोबर का है, हाँ। गोबर का हम प्रयोग अब खेतों में बहुत कम कर रहे हैं। मैंने देखा गांव में घूमा तो देखा कि कंडे बना के अपने घर में रख लेते बाटी सेकने के, मतलब देसी खाद का अभाव। देसी खेत खाद का एक तो जानवर की संख्या कम हो गई और दूसरा मतलब किसानों ने कंडे बना लिए और खेतों में मतलब गोबर की खाद कम जाने के कारण ये समस्या आ रही है। तो इसको अपन जैसे कार्बन की मात्रा अपने को जल्दी बढ़ाना है, तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे मान लो 50-60 साल पहले हमारे पूर्वज सन और ढेंचा को खेत में तोड़ते थे, लेकिन आज कोई किसान भाई ये नहीं तोड़ रहा है। जिससे कारण क्या हो रहा है, हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सन या ढेंचा को जैसे ही आपकी गेहूं और चने की अभी फसल कटती है, और जिन किसान भाइयों के पास अगर पानी है अपने पास तो पानी है, तो यदि अपन अप्रैल में यदि सन ढेंचा को खेत में अगर लगाते हैं तो 55-60 दिन की जब फसल हो जाए तो उसको खेत में मिला दें, तो जिससे क्या होगा बहुत जल्दी हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया और ज़्यादातर किसान भाई ये समझते भी होंगे, जैसे हरी खाद का अपन उपयोग करते हैं तो इसके बजाय जो है सनई या ढेंचा है उसको जो है अगर बोने के बाद में जो कितना 55 से 60 दिन की जब फसल हो जाती है तो उसको जो है बखर कर खेत में मिला दें तो वो हरी खाद का काम करेगी और सबसे बड़ी जो कार्बन की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति करेगी। किसान भाइयों, चर्चा काफ़ी है, अभी और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः हम हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। हुँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे साथ में हैं डॉक्टर SS चौहान जी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं सामसामयिक कृषि कार्यों की। किसान भाइयों, लहसुन भी काफ़ी मात्रा में इस समय हमारे जो खेतों में लगी हुई है और इसके अलावा कई किसान भाइयों ने लहसुन निकाल भी ली है। डॉक्टर साहब, लहसुन में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक वो जलेबी जैसा रोग हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है? ये थ्रिप्स के कारण होता है। ये थ्रिप्स अच्छा। क्या करता है कि जहाँ पत्ती पे जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये उसको स्क्रैप करता है, मतलब उसको खुरच खुरच से खाना चालू कर देता है, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट आगे जाना बंद हो जाता है। अच्छा। तो वो पत्ती गोल घूम जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक फिप्रोलिन करके दवा आती है। तो किसान भाई यदि 15 ml एक पंप में डाल के यदि स्प्रे करेंगे तो इसको अपन नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा यदि अपन एक और दवा है जिसको इमीडा क्लोरोपीड और 40 EC की और एक अपना फिप्रोलिन 40 EC का, इसकी 7.5 ग्राम अगर 7.5 ग्राम मात्रा एक पंप में डाल के यदि स्प्रे करेंगे तो जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं और आपका थ्रिप्स, ये सारे हम कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया, जो जलेबी जैसा जो रोग होता है वो थ्रिप्स के कारण होता है, उसके रोकथाम के लिए ये उपाय करना जरूरी है। किसान भाइयों, एक समस्या और देखने में आती है
कि जो लहसुन के गट्टे होते हैं वो दिखने में जब निकालते हैं तब तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको रखा जाता है तो कुछ दिन बाद जो है वो अंदर बिल्कुल जो धास से दबाते हैं तो वो बिल्कुल दब जाते हैं, तो ये क्या वजह हो सकती है? ये उस पर जैसे अगर जब अपन नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तब ये समस्या आती है। जैसे ऊटी करके जो है जो अभी लहसुन लगा रहे हैं किसान भाई, उसकी कली तो बड़ी होती है लेकिन वो सूख जाती है बाद में। तो अगर देसी किस्मों में जैसे अभी तुलसी अच्छी वेराइटी है उसको भी अपन लगा के किसान भाई अच्छा अपना फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब ये समस्या जो है दूर की जा सकती जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सिंगल कली का लहसुन भी आने लगा है? सिंगल कली का भी लहसुन आया है तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं सर। अच्छा अच्छा, तो अभी हमारे क्षेत्र में हो रहा है? अपने इधर अभी नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी यहाँ शुरुआत नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल। और किसान भाई, इस समय जो है रबी की फसलें खेत में खड़ी हुई है, उसमें जैसे गेहूँ है, चना है और भी दूसरी फसलें हैं, तो यदि ये फसलें अब धीरे धीरे कटाई का समय आएगा तो हमारे किसान भाई किस तरह से कटाई का प्रबंधन करें, मतलब किन बातों का ध्यान रखेंगे? अब जैसे मान लो फसल जैसे कट जाती है तो सबसे पहले किसान भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें पहला काम जो करना है मिट्टी परीक्षण जरूर करा लें। अच्छा, क्योंकि उस पर समय बिल्कुल नहीं मिलता, जब तक रिपोर्ट आती है तब तक बिल्कुल क्या बोलते हैं रिजल्ट हमारा लेट आएगा फिर। तो हमको सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करा लें। दूसरी चीज़ एक है कि जैसे अब अपने जैसे मध्य मालवा में देखा गया है कि गेहूं की कटाई के बाद लोग किसान आग लगा देते हैं खेत में, उसके आग लगाने से क्या नुकसान होता है, एक तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो अपना वातावरण भी उसमें गर्म हो रहा है, दूसरा चीज़ उसमें क्या हो रहा है कि मतलब क्या कहते हैं जितने भी हमारे जो मित्र कीट हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको ये तो मतलब नुकसान है। इसलिए किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि खेत में आग ना लगाएं, उसको रोटावेटर से चला के खेत में उसको बारीक कर लें और उसको जब उससे बोनी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगली फसल में। तो ये ज़रूर जो है हमारे किसान भाई करें। और किसान भाइयों, धीरे धीरे हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़े और हमारी लागत कम हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ मानक निर्धारित है, कुछ ऐसे काम हैं उनको हमें करना होगा। अब जैसे सरकार की भी एक नीति है कि हमें जो है हमारे किसान भाइयों की आय को दुगना करना है, तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि हमारे किसान भाई किस तरह से जो है लागत कम करेंगे और आय जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इस पर लागत कम करने के लिए किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि अगर यदि वो इंटीग्रेटेड पर जैविक खेती की ओर थोड़ा जाएंगे तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारी मिट्टी में भी इसमें सुधार होगा और उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैविक खेती की बात की तो हमारे प्रदेश के ज़्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं कि यदि हम जैविक खेती शुरू तो कर दें लेकिन जो उत्पादन जो कहते हैं कि टनों उत्पादन होता था लेकिन वो हो सकता है गिर सकता है, तो अगर ये इस तरह का भ्रम है तो जैविक खेती को कैसे मतलब किस तरह से शुरू की जाएगी? हमारे पास कई किसान आते थे, बोले सर हम जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका अनुभव ये कि सर हमने यूरिया डीएपी बंद कर दिया और उसके बाद हमारा उत्पादन बिल्कुल आधा हो गया। तो मैंने किसान भाइयों को यही आज मैं समझाइश देना चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। अच्छा। जैसे मान लो आपको अगर जैविक खेती करने जा रहे हैं तो एकदम से आप यूरिया डीएपी को बंद ना करें। पहले साल आपको क्या करना है, 25% आपको जैविक देना है, 75% आपका रासायनिक रहेगा। दूसरे साल 50% कर दें, तीसरे साल 25% आपका रासायनिक हो जाएगा, 75% जैविक। चौथे साल यदि आप यूरिया डीएपी को बंद कर देंगे तो आपका जो उत्पादन आज आप ले रहे हैं, जैसे मान लो आप गेहूं का 50 क्विंटल ले रहे हैं, तो उत्पादन आपका बना रहेगा। तो मतलब ये तरीका हमारे किसान भाई को अपनाना पड़ेगा, तभी जो एक आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति कि हमारी अगर आय कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, हम कैसे निपटेंगे, तो उसका तरीका यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसान भाई जैविक खेती करने लग जाएंगे तो लगभग किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैविक खेती में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मिट्टी अगर स्वस्थ रहेगी तो अगर उसमें कितना भी अच्छा बीज आप डालोगे उत्पादन अच्छा मिलेगा। यदि हमारी मिट्टी का ही स्वास्थ्य खराब है वो फिर आप अच्छा भी बीज डालोगे हाई यील्डिंग में उपज वाला, तो भी आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हमें उसमें जैविक में जैसे आज मैं तो किसानों को अभी अपने धार जिले में काफ़ी प्रोत्साहित कर रहा हूँ, वर्मी कंपोस्टिंग में करवा रहा हूँ। काफ़ी कई किसानों ने मेरे पास 7 किसान ऐसे हैं जिन्होंने मतलब वर्मी कंपोस्ट को एक रोजगार बना लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने खेत में आज उनके गिंडोला एक भी खेत में नहीं था लेकिन आज उनके खेत में गिंडोला वापस आ गया है और उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो केंचुए हैं वो अगर खेत में वापस आ जाए
तो एक तरह से जो है ये केंचुए भी जो है खाद का काम करते हैं। अच्छा किसान भाइयों, फिर हम धीरे धीरे जब जैविक खेती करने लग जाते हैं तो हमारी लागत कम हो जाती है, उत्पादन भी टिकाऊ उत्पादन होने लग जाता है। एक जो मिट्टी की बात है या मिट्टी परीक्षण की बात है तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे ज़्यादातर कृषि वैज्ञानिक यही बताते हैं कि हमारे किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यदि मिट्टी परीक्षण करवाना है तो अब जैसे किसी किसान भाई ने पहली बार मिट्टी परीक्षण करवाया है तो उसके बाद में उसको जो रिजल्ट मिल रहा है तो उनको कैसे मेंटेन करना है? जैसे मिट्टी परीक्षण करवाया, इन तत्वों की कमी निकली है या उसके मिट्टी में ये तत्व ज़्यादा निकले हैं तो उनको बैलेंस करना है उसको, तो उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, उसमें सब उसमें जो अपन मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो उसमें सब उसमें रिकमेंडेशन में हम लिखते हैं कि जैसे मान लो अगर इसमें अगर जो मात्रा ज़्यादा आ रही है तो आपको उतना DAP या यूरिया की मात्रा हम उतनी कम कर देते हैं। अच्छा। और अगर आपके साथ कमी आ रही है तो वो मात्रा हम बढ़ा देते हैं, तो मिट्टी परीक्षण में यही फायदा है। तो लगभग जैसे एक बार मिट्टी परीक्षण करवा लिया, इसके बाद में अगला मिट्टी परीक्षण कितने साल में? 3 साल के अंतर पर करना। 3 साल मतलब हर तीसरे साल यदि अपन उस मिट्टी परीक्षण कराएंगे तो आपके जो मतलब जो लागत आपकी आ रही है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही भाई। तो किसान भाइयों, कृषि का मुख्य आधार है एक तो जैविक खेती और दूसरा है मिट्टी परीक्षण। यदि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो शायद हमें मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का, तो हमें मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण हो जाए तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ों का खुलासा हो जाता है और वो जो तत्व निकल कर सामने आते हैं उनके आधार पर आपको जो है उर्वरक का प्रबंधन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की, खासतौर से खेती किसान में इस समय जो है हमारे किसान भाइयों को क्या सामूहिक कार्य करने हैं इनका विस्तार से जो है आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, ये तो सामूहिक चर्चा थी और इस समय जो है हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में खेती किसानी के इस क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और इन सब चीज़ों को हम जानते हैं खबरें खेती की में। तो आए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। किसानों को लुभाता बजट, जायद फसलों का रकबा बढ़ा, स्ट्रॉबेरी से गुलजार होता प्रदेश, गेहूं की देखभाल का समय। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में प्रस्तुत बजट किसानों के लिए ढेर सारी सौगात लेकर आया है। इसमें सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई ऐलान किए हैं। सरकार खेती के लिए अब रासायनिक उर्वरकों का कम कर जैविक खेती को बढ़ावा देगी। प्राकृतिक खेती के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यापक पैकेज बनाया जाएगा। तिलहनों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाने का उल्लेख बजट में किया गया है। धान और गेहूं की खरीदी को भी सरकार बढ़ावा देगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुँचेगा। सरकार ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात भी बजट में की है। किसानों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजनाओं की शुरुआत होगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात भी बजट में की है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को अब बदला जाएगा, जिससे विद्यार्थी आधुनिक और जीरो बजट वाली खेती के बारे में भी अध्ययन कर सकें। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है, जिससे 9 लाख से अधिक हेक्टेयर के रकबे की में सिंचाई की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के किसान को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रीष्मकालीन फसलें किसानों को न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती हैं। श्री तोमर ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि विषय पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने दलहन, तिलहन और पोषक अनाज जैसी ग्रीष्मकालीन फसल की खेती के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर नई पहल की है। उन्होंने बताया कि जायद फसलों के रकबे में इस साल 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने राज्यों को सुझाव दिया कि गर्मियों की फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए नए और अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए KVK और ATMA को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। कभी पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र में उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती का चलन अब मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिले स्ट्रॉबेरी से गुलजार हो रहे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। प्रदेश के रीवा जिले के किसानों का रुझान भी स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की गेहूं की मांग पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। यही वह समय है जब गेहूं की फसल की सबसे ज़्यादा देखभाल होनी चाहिए। इस समय खेत में
ज़्यादा नमी रखी जाए। जिन किसानों ने नवंबर के महीने में बुआई की है उनकी फसलों में अब बालियां आ गई होंगी। इस समय खेतों में आखिरी बार यूरिया दी जाती है। यदि बालियों में सफ़ेद कीट दिखाई दें तो यूरिया के साथ क्लोरोफ्लोरीफॉस दवा का भी छिड़काव करें। जिन किसानों ने देरी से बुआई की है वे पानी और फर्टिलाइज़र की कमी ना होने दें। साथ ही फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। ध्यान रहे, इसका प्रयोग सुबह अथवा शाम को ही करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। इसमें हमने बातचीत की इस समय सामयिक कार्य कौन कौन से हमारी खेती किसानी में करने हैं। इसके साथ ही साथ हमने जैविक खेती की भी चर्चा की और मिट्टी परीक्षण की चर्चा की। इन तमाम चर्चाओं से आपको ये ज़रूर अवगत हमने कराया है कि हमें यदि उत्पादन बढ़ाना है और लागत कम करना है तो हमें जैविक खेती की तरफ ज़रूर लौटना होगा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा, नमस्कार।